सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं करने वाला हूँ अपने हंटर 350 का की माइलेज टेस्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। हम टैंक फुल कराएंगे, उसके बाद उसको 60-70 किलोमीटर के अराउंड चलाएंगे, फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं कितनी माइलेज देती है। और हाँ भाई, 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यार, मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ फिर भी तो हैट्स ऑफ करना। हाँ, अपनी खुद की तारीफ नहीं करूँगा, 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, देख लेना स्क्रीन पर, और इसलिए लाइक और शेयर कर देना प्लीज़। हाँ, पीछे ले लेना अंकल, खाली येलो वाइट ट्रिप हो गई, जीरो और ये स्टार्ट। ऊपर तक बढ़ देना भैया, ऊपर तक। हाँ, ऑटो कट तो बंद हो गया था लेकिन फिर भी ऊपर तक कराएंगे। बस 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 बस, पेट्रोल आया भाई हमारा 929.20 पैसे। टंकी हो गई अपनी फुल, और ये मैं कर देता हूँ इसे, इसके ट्रिप ज़ीरो हो गई भाई, ज़ीरो। ट्रिप ए और ट्रिप बी भी ज़ीरो कर देता हूँ, हो गई भाई, ठीक है। ट्रिप ए ये थी भाई, ट्रिप ए ज़ीरो, ट्रिप बी ज़ीरो, और ये टोटल। अब इसको हम 60 किलोमीटर के आसपास चलाएंगे और फिर देखते हैं कितनी माइलेज दे रही है। भाई साहब, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना यार, और दिमाग तो तब ख़राब हो जाता है जब ये हीट छोड़ती है एक रेड लाइट एरिया पे, और थोड़ा बहुत ट्रैफिक में भी इतनी ज़्यादा गर्मी, भाई साहब तगड़ी। एक ये सामने अर्टिगा वाले चचा को देखो, लेफ्ट का इंडिकेटर दे रखा है इतनी देर से, पता नहीं कहाँ ही जाएगा। लेफ्ट में कोई कट नहीं है भाई, सीधा सीधा है, या फिर राइट है, सीधा सीधा इंद्रलोक है, राइट में त्रिनगर, केशवपुरम, ये सब है, पता नहीं कहाँ जाएगा भाई, सबको पागल बना रहा है। कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। अब जब बोल ही दिया मिर्ज़ापुर वाले चचा ही हैं, तो चचा तो चचा ही हैं। बाकी भाई, इस वीडियो में हम चलते चलते बहुत सारी बातें भी करेंगे, पॉलिटिक्स व्यू भी रखेंगे अपना, और तुम्हें आसपास की लोकेशन भी दिखाऊंगा अपनी, कहाँ पे जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ चला रहा हूँ। तुम मेरे एरिया में घूम लेना, ना होकर भी यहाँ पर घूम लेना। स्कूल का बच्चा एक्सेस पर स्कूल से आ रहे क्या भाई, लाइसेंस है इसके पास? चलो भाई, मुझे क्या, गवर्नमेंट जाने, निकलते हम तो। बाकी कोई ट्रैफिक में से देख रहा हो तो भाई नंबर निकाल के एक बार आप अपनी कार्रवाई कर लेना। चलो भाई, पंजाबी बाग की साइड मुड़ लेते हैं, लेफ्ट लेफ्ट निकलते हैं। बाकी भाई, अपना तिरंगा कितना लहराते हुए अच्छा लग रहा है यार, देखना झंडा अपना ऊंचा रहे हमारा, जय हिंद। और उसके आगे टीवी टावर, ओहा क्या बात। बाकी भाई, मैं 1997 का बोन हूँ, मुझे तो मतलब कहीं से सुनने में आया था, काफ़ी जनों ने बताया था, पुराने ने, कि पहले टीवी टावर पर ऊपर भी जाने दिया करते थे, अब बंद कर दिया है। तो अगर कोई हो पुराना जिसको पता हो ये सब तो बताना। ओए होए, क्या लाइन बनी, किसी को पता हो तो बताना। ये राइट साइड में भाई डी मॉल की बिल्डिंग, सबसे पुरानी एनएसपी का भाई अपना खोपचा यही हुआ करता था, आए करते थे। फिर ये 3-4 फ्लोर पता नहीं रिकन्स्ट्रक्शन पर ही है तब से, या फिर आगे और भी ज़्यादा कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, भगवान जाने क्या चल रहा है। इसमें अभी कुछ टाइम पहले आग वाग भी लग गई थी, कुछ पता नहीं क्या सीए के ऑफिस में लगी थी या क्या लगी थी, 2-3 फ्लोर वगैरह जल गए थे। बाकी यार, एक बात बताओ तुम सब, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ये सामने कैमरा है जैसे स्पीड का, तो ये टू व्हीलर्स को भी कैप्चर करता है मतलब, या सिर्फ फोर व्हीलर या ट्रक एंड ऑल का ही है, मतलब क्या है, टू व्हीलर को भी कैप्चर करता है या नहीं करता, एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी बताना। हाँ, मैं वैसे तो इतनी तेज़ चलाता नहीं, स्पीड में ही चलाता हूँ, बट स्टिल फॉर नॉलेज। हाँ, एक बार बताना। बाकी भाई, एक चीज़ और देखी तुमने, बसों के पीछे से अपने केजरीवाल जी की फ़ोटो हट गई है, जब से केजरीवाल अंदर तब से बस के ऊपर से फ़ोटो बाहर, पोस्टर बाहर। भाई डिहाइड्रेशन सी हो गई थी, पानी पीने के लिए रुका था, तो अब चलते हैं।
ये देखो इस वाली बस के पीछे भी पोस्टर नहीं है अपने सीएम का। बाकी भाई मुझे नहीं पता इसके पीछे रीज़न क्या है, एक बार प्लीज़ ये भी कमेंट सेक्शन में बता ही देना, इलेक्शंस आ रहे हैं या क्या रीज़न है इसके पीछे, जो भी रीज़न है एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में। होपफुली कहीं ना कहीं से तो नॉलेज मिल ही जाती है, आप सब भी पढ़ना फिर उसके बाद। ये वाले साइड मिरर्स में यार ये दिक्कत है, बार बार एडजस्ट करने पड़ते हैं, मतलब किसी का हल्का सा भी हाथ लग जाए ना तभी के तभी हिल जाते हैं। ये आ गया भाई फिर से सामने स्पीड लिमिट वाला कैमरा, स्पीड लिमिट वाला ये है भाई। और एक चीज़ और देखी है यार मैंने यहाँ पर है ना, मतलब स्पीड लिमिट का जो बोर्ड होता है उस पर भी एक तो गाड़ी छपी होती है, आई मीन कार स्पीड लिमिट होती है, और एक ट्रक स्पीड लिमिट होती है, 60 50 होगी या फिर 80 70 होगी, बट टू व्हीलर्स का तो लिखा ही नहीं होता। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आई गेस ये कैप्चर नहीं करते हैं टू व्हीलर्स का। तो आप बताओ यार कमेंट सेक्शन में बताओ ना क्या कर रहे हो, कमेंट करो कमेंट कमेंट कमेंट। बाकी भाई अपने लेफ्ट में है NSP और ये हम वजीरपुर फ्लाईओवर के नीचे से आ गए। ये NSP में आजकल का नया ट्रेंडिंग पैसिफिक मॉल चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है ये मेरे, और हाँ ये पूरा मतलब बहुत बड़ा है यार, आसपास के एरिया में सबसे अच्छा आज के टाइम में यही चल रहा है, सारी एक्टिविटीज़ हैं, मस्त अच्छा वाला हॉल है और बढ़िया है यार बढ़िया। ये पेट्रोल पम्प वगैरह अगर सामने सामने सीधा सीधा अब आज़ादपुर वाली रोड आ गई। बाकी भाई पान गुटखा खाने वाले यार राइट साइड में देखो तुम लोगों ने कितने ज़्यादा ये निशान गे रखे हैं, कितनी गंदी कर रखे यार, पेंट करने वाले बंदे भी मेहनत करते हैं, ऐसे मत किया करो। बाकी भाई रेड लाइट और ये अपना ऊपर तिरंगा, जय हिंद। तो भाई लो जी आ गया मैं एक्चुअल माइलेज चेक करने के लिए ट्रैफिक वाले एरिया में। तो भाई अब आ गया रिफ्यूल कराने का टाइम, ट्रिप ए 64.6, टोटल हमने 64.6 किलोमीटर चला ली, 2021 टोटल चला ली है 64.6 ट्रिप ए ट्रिप बी। ऊपर तक कर देना बस, बाकी भाई ऊपर तक ही भरेंगे जैसे पिछली बार भरवाया था, बिल्कुल ऊपर तक, ऑटो कट से थोड़ा सा ऊपर, और फिर उसके बाद हम करेंगे इसकी माइलेज चेक। बस 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 टोटल पेट्रोल आया है भाई 1.68 लीटर और 159 रुपीस का। हाँ तो भाई निकालते हैं एवरेज, टोटल किलोमीटर चलिए 64.6, इसको हम डिवाइड करेंगे जितना हमारा फ्यूल लगा है 1.68 लीटर, सो 64.6 डिवाइड बाय 1.68 इजिकल टू 38.45, यानी 38.45 की एवरेज ही है। अब एक बार दूसरी तरह से भी इसके माइलेज निकाल लेते हैं, ये एक वेबसाइट मिली है इस पर हम टोटल डिस्टेंस लिखेंगे जो कि हमारी टोटल डिस्टेंस चलिए 64.6 किलोमीटर, तो ये हमने लिखा 64.6 किलोमीटर, उसके बाद फ्यूल जितना लगा है 1.68, सो 1.68 लीटर हम यहाँ पे लिखेंगे। फ्यूल प्राइस नीचे 94.72 है ही जो अभी दिल्ली में फ़िलहाल में चल रहा है, सो कैलकुलेट करा और यहाँ पर भी सेम 38.45 लीटर दिखाई है। तो भाई इसी के साथ अपनी माइलेज वीडियो ख़त्म होती है, 38 की एवरेज मतलब बेस्ट एवरेज दी है आरी हंटर, रॉयल इनफील्ड हंटर की, कंपनी वाले खुद ही क्लेम करते हैं 35-36 की एवरेज, बट मेरी ने दी है 38 की एवरेज, और रेड लाइट वगैरह पर भी इग्निशन ऑन ही रहता है, और भाई बेस्ट एवरेज लगी है मेरे को ये वाली। हाँ सिंगल हैंडेड बाइक है इससे बहुत ज़्यादा असर रहता है। और बाकी भाई आपने कुछ भी फील करा हो नोटिस करा हो इस वाली वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और बाकी अगला टॉपिक आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं फुल ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने के लिए और बेस्ट ट्राई करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। बाकी लाइक शेयर कमेंट सेव शेयर सब कुछ कर दो, बेल आइकन भी बजा दो, बस घंटा 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 बजा दो। चलो चलते हैं, थैंक यू गाइस।